Hi friends, welcome to channel BD Logical, and I am Rita, back with another video, and this time with another unboxing of first impression for the Samsung Galaxy M30 phone. I ordered this one for some of my friends, just got this one yesterday in the offer of Great Indian Festival sale in rupees 2000. So with this short time, let's move to the main video and main unboxing itself. देख सकते पैसे मामा से आया है एंड जो प्रोडक्ट जो बहुत लेट से मुझको मिला, मैं 1st of October को मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन मुझको 14th of October को डिलीवरी हुआ है बिकॉज दे लॉस्ट माई पैकेजिंग. सो रिप्लेसमेंट के हिसाब से मुझको फ़ोन डिलीवरी हुआ है विदिन 2 डेज. सो आप लोग इसका मैं दिखाने जा रहा हूँ उस प्रोडक्ट के अंदर बॉक्स के अंदर पैकेजिंग क्या क्या मिल जाएगी इसके अंदर. एंड सैमसंग गैलेक्सी M30, सो पैकेजिंग इज लाइक दिस वन आल्सो. सो जो ऑलरेडी जो देख सकते हैं रिप्लेसमेंट मुझे मिला है एंड इसमें कोई इनवॉइस में मेंशन है सी प्राइस लाइक दिस. पैकेजिंग ऐसा नॉर्मल सा आया है एंड आप लोग देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 का पैकेजिंग ऐसा नॉर्मल सा आता है. मैंने ब्लू कलर दिया है, यहाँ पर मेंशन है देख सकते हैं ग्रेडियंट ब्लू यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी एंड लाइक दिस. एंड ऑलरेडी सील ठीक ठाक दिया हुआ है एंड इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा. मैंने सैमसंग गैलेक्सी 4GB 64GB वेरियंट ऑर्डर किया बिकॉज इसमें 3 वर्जन आपको मिल जाता है, 3GB of RAMs and 3GB inbuilt as well as 4GB as well as 64GB inbuilt and 6GB 128GB inbuilt तक आपको मिल जाता है. इसमें आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले ट्रिपल कैमरा दैट इज 30 MP मेन सेंसर, 5 MP डेप्थ ब्लर, 5 MP वाइड एंगल एंड 5000mAh आपको मैसिव डेबल बैटरी मिल जाता है, लिथियम पोलर बैटरी वाला. एंड आपको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 6.4 इंचेस का एंड 1.8 GHz. आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है सैमसंग एक्सिनोस 7904 एंड माली G71. इसमें जो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट मिल जाते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाए, मोबाइल फोन्स, एक डाटा केबल, एक ट्रेवल एडाप्टर, एक एडिटर पिन एंड वन यूजर गाइड. तो मेक फॉर इंडिया एंड डुओस. सो मैं इसको थोड़ा बहुत ओपनिंग कर लेता हूँ. सो पैकेज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ गाइड्स मिल जाएगा इसके अंदर में. एंड इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें कोई आपको हेडफोन या फिर कुछ भी कवर नहीं मिल जाता. सो दूसरे फ़ोन के साथ जो है नॉर्मल सा प्लास्टिक का कवर आता है लेकिन इसमें नहीं आता. तो इसमें सिर्फ आपको फ़ोन, एक केबल, एक चार्जर, इसका रेटिंग आप लोगों को दिखाई देता है इसका रेटिंग क्या है. एंड इसमें 2 एम्पीयर चार्जर है तो बहुत ही फास्ट चार्ज है लेकिन उतना भी सुपर फास्ट चार्जर नहीं है. ऐसे मेरे टूल पर मिल जाता है तो इसको मैं साइड कर लेता हूँ. फोन लुक्स गॉर्जियस, आपको 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है विद 403 PPI. एंड इसका जो बॉडी रेशियो है स्क्रीन रेशियो के साथ 19.5:9 रेशियो में आता है. एंड आपको 84% बॉडी स्क्रीन रेशियो मिल जाता है. तो मैं बूटअप कर देता हूँ इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 होता है. तो जब तक अगर बूटअप होता है आपको मैं फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ. राइट हैंड साइड पे आपको पावर बटन कम वॉल्यूम मिल जाता है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो सिमेट्रिक टूल मिल जाता है हाइब्रिड स्लॉट वाला मिल जाता है. एंड आप लोग 512 GB तक ये एक्सपेंड कर सकते हैं. टॉप ऑफ द फोन आपको जो सिग्नल से माइक्रोफोन मिल जाता है एंड फ्रंट में 16 MP मेन सेंसर कैमरा मिल जाता है एंड बॉटम ऑफ द फोन टाइप सी पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड हेडफोन जैक एज वेल द सिंगल स्पीकर. एंड बैक एंड साइड आपको सैमसंग का लोगो एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है. एंड आपको 30 MP मेन सेंसर, 5 MP वाइड एंगल एंड 5 MP डेप्थ ब्लर एंड आपको यहाँ पर सिंगल फ्लैश मिल जाता है. ये फोन नया है या पुराना है या फिर रिफर्बिश्ड है थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है बिकॉज इसमें बहुत सारा डार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है. समझ में ये नहीं आता ये लोग ऑफर में नया फोन देता है या फिर आपको रिफर्बिश्ड फोन मिल जाता है. बिकॉज आप लोग अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी जो डस्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है एंड थोड़ा बहुत ओपन हो चुका है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साइड से. यहाँ पर भी ऑलरेडी ऐसा करके ऑलरेडी स्क्रैचेस पड़ गया. तो नया फोन में ऐसा स्क्रैचेस पड़ता है तो नहीं पड़ता. तो व्यू एंगल बहुत ही अच्छा है एंड लुक्स का बहुत ही अच्छा लुक्स देता है. आपको 3 कलर में आता है, ब्लैक, ब्लू एंड द वाइट कलर. मैंने ब्लू कलर ऑर्डर दिया बिकॉज ब्लू कलर जो थोड़ा बहुत अनकॉमन कलर होता है एंड आप लोग लेडीज या जेंट्स दोनों ही एक साथ यूज कर सकते हैं. एंड जिसमें जो टाची कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ब्लैक के साथ एक ब्लू का कॉम्बिनेशन जो आता है बहुत ही अच्छा ग्लॉसी फिनिशिंग देता है. तो इसके हिसाब से मैंने वाला ऑर्डर किया हूँ एंड लुक्स का तो बहुत ही अच्छा है लेकिन समझ में ये नहीं आता ये लोग ऑफर में नया फ़ोन देते हैं या फिर पुराना फ़ोन देते हैं बिकॉज इसमें जो ऑलरेडी जो सम काइंड ऑफ लगता है किसने यूज़ किया है उसके साथ साथ ये वाला टूट कर चला है ऐसा लगता है. सो फाइनली फोन जब बूटअप हो गया है एंड फास्ट बूटअप देने के बाद आपको फोन दिखने में ऐसा आ जाता है. तो व्यू है बहुत ही अच्छे फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है आपको एंड इसका जो रेशियो आता है स्क्रीन का 19.5:9 रेशियो में एंड इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो जो आता है 84% आपको बॉडी स्क्रीन रेशियो मिल जाता है. एंड आपको जो फोन का जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है विद 403 PPI
सकते हैं लाइक दिस ऑल्सो, और आप लोग इसके अंदर में देख सकते हैं कितना अच्छे से फिंगर सुपर टच स्मूथ काम करता है, कोई भी इशूज नहीं है इस फोन में आपको। जो 4G वेरिएंट 64G इनबिल्ट भाषा मिली, तो अगर मैं इसका सेटिंग्स में डायरेक्ट चला जाता हूँ तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको देखने में आ जाएगा इसमें क्या कि आपको भाषा मिल जाता है इसके अंदर में। अभी तक टाइवर फोन चलाए जाएंगे तो सैमसंग गैलेक्सी M30 है, इसका मोबाइल सर एंड सीरियल नंबर समथिंग मैंशन है एंड बैटरी इन्फॉर्मेशन इज लाइक दिस। सीरियल नंबर IMEI स्लॉट आपको दो डुअल सिम मिल जाता है एंड बैटरी इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या अभी तक है। बैटरी इन्फॉर्मेशन में आपको 50% अभी बैटरी चल रहा है अभी तक। स्टोरेज में जाने के बाद आपको देख सकती है पर कितना स्टोरेज अभी भी क्लियर है, कितना अवेलेबल है तो आप लोग देख सकते हैं। आउट ऑफ 4GB में आपको 1.6GB आप लोग फ्री है एंड स्टोरेज में आप देख सकते हैं आउट ऑफ 64GB 49.4GB अभी फ्री है, तो इतना है। सो ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिखाया गया इशूज करके कौन सा क्या ऐप्स चल रहा है नहीं चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है लाइक दिस। सो तो सुपर टच स्मूथ है, आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो कुछ ही नहीं आता, राइट टू से वैसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा टच फंक्शनिंग काम करता है। तो जो एंड्रॉइड भाषा में चल रहा है पाई, ऑलरेडी ऑटोमेटली पाई वर्षन चला आया आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। आपको जो आउट ऑफ द बॉक्स पाई मिल जाता है, पहले जो आपको ऑडियो मिल जाता था अच्छा कस्टमाइज आप लोग कर सकते हैं स्क्रीन में साथ में। तो इसका मेन यूएसपी आता है कैमरा, इसका कैमरा में चले जाएंगे तो आपको कैमरा में इंटरव्यू आपको ऐसे दिखने में आ जाएगा एंड बहुत सारा आपको नॉर्मल सा मोड मिल जाता है इसके अंदर में तो देख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर फोटो रेश्यो आप लोग चेंज कर सकते हैं फुल स्क्रीन 69:4:3 रेश्यो में, तो ये वाला 4:3 जो स्टैंडर्ड रेश्यो आता है एंड ये वाला करेंगे तो आपको वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। पिक्चर का शटर स्पीड बहुत ही अच्छा फास्ट काम करता है, तो अगर मैं इसका जो मैं मैक्रो शॉट ले लेता हूँ तो इसका शटर स्पीड बहुत ही अच्छा है। अगर फ्रंट कैमरा में चले जाएंगे तो आपको 16 MP मेन सेंसर मिल जाता है कैमरा में, बहुत ही अच्छा कैमरा फंक्शनिंग आपको दे देता है एंड कैमरा भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सो पिक्चर क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ ₹12,000 आपको 16 MP कैमरा मिल जाता है एंड बैक कैमरा तो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते कितना अच्छे से ये वाला आप लोग जो ये वाला जो मैक्रो शॉट मैंने लिया था इस मैक्रो शॉट के साथ ये वाला आप लोग रीड कर सकते हैं, और ये वाला भी मैं अगर ले लेता हूँ सो बैक कैमरा का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख सकते कितना अच्छे से ये वाला जो आप रिडेबल कर सकते हैं, तो बैक कैमरा का शटर स्पीड एज वेल एज द परफॉर्मेंस इज गुड कम्पेयर टू द फ्रंट कैमरा। और थोड़ा बहुत अपडेट देने के बाद होगा शायद, अगर मैं कोई पोर्ट्रेट शॉट लेता हूँ लाइव बुके शॉट लाइव फोकस जो अगर ले लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर में। ओके आप लोग यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते इसका जो डेप्थ आप लोग, तो ये वाला लाइव फोकस बहुत ही अच्छा है। नोकिया ने पहली बार लॉन्च किया था लेकिन सैमसंग भी आप लोगों को देख सकते हो एजेस बहुत ही अच्छा कमाल का आया, बैकग्राउंड जो ऑल्टरनेटली ब्लर हो चुका है लेकिन एजेस बहुत ही अच्छे से क्रिस्प एंड क्लियर आपको विजिबल दिख रहा है, तो ब्लर शॉट बहुत ही अच्छा है 5 MP कैमरा से। एंड इसका थोड़ा बहुत अगर सेटिंग्स में चले जाएंगे तो आपको यहाँ से जो एडजस्ट कर सकते हैं इस सेटिंग्स में बाद आपको क्लियर पीछे से आप लोग ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने जो ऑलरेडी दिया हुआ है हाई एफिशिएंसी वीडियो HDR आप लोग एंड वाटरमार्क भी आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम द पिक्चर, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग यहाँ से जो आपका इसका नाम भी एडजस्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छा, ये वाला पहले नहीं था अभी अपडेट देने के बाद जो ऑटोमेटिकली वाला चला आया तो बहुत ही अच्छा है वाला। पहली बार वन प्लस ने लॉन्च किया था लेकिन अभी हर एक जो ब्रांड जो है वो वाला फॉलो कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही अच्छे से वाला जो फंक्शनिंग काम करते हैं दिखने में बहुत ही यूनिक लगता है। सो एक पिक्चर मैं ले लेता हूँ तो फिर लॉजिकल ट्रिपल कैमरा शॉट सैमसंग ट्रिपल कैमरा। इसका जो डेप्थ कैमरा रिव्यू भी आने वाला है डेप्थ फोन आफ्टर यूजिंग दिस कपल ऑफ डेज, तो अगर आपको फोन लेना है इसका प्रॉब्लम लिंक जो अपलिशन मिल जाएगा आप लिंक यूज कर सकते हैं टू बाय दिस प्रोडक्ट बेस यू ऑल्सो। इफ यू हैव डाउट कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग वीडियो रिगार्डिंग प्रोडक्ट पर आस्क कमेंट सेक्शन आई लव कॉल फॉर करिस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द बटन, इफ यू डू नॉट लाइक दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक द वीडियो एंड बिफोर डिसलाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर एडवाइस मी यूजम टू इंप्रूव। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू, सब्सक्राइब मी, प्रमोट मी टू ऑल फ्रेंड्स सर्कल, दिस इज एब्सोल्यूटली सब ग्रेट, बाय बाय।